हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट डिस्कस अबाउट टू ऑप्टिंग आउट ऑफ आरसीपी। जो इंडिया है उसने पिछले ईयर आरसीपी से एग्जिट किया। आरसीपी रिलीजन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो आपके ट्रेड को ट्रेड की फ्री ट्रेड की एग्रीमेंट होता है, जो आपकी एशिया और आपकी पैसिफिक जो ओरिजिन है उसके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है। इसमें जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड और वियतनाम है। इसके बीच में जो आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है। इसका जो पर्पज़ होता है, पर्पज़ ये होता है कि जो जितने भी आपके उत्पाद और जो आपकी सेवाएं हैं उसको किसी कंट्री के अंदर, जो आपके ये देश हैं इन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट में आपके टैरिफ को जीरो करना, जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको जीरो करना होता है। इसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आरसीपी का उद्देश्य जो आपके उत्पाद और सेवाओं को आसान बनाना होता है। यह बातचीत 2047 भारत ने नवंबर में इसमें हस्ताक्षर करने से मना किया। भारत क्यों बाहर गया? 4 नवंबर 2000 को भारत ने महत्वपूर्ण बकाया पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 11 कंट्रियां इसमें आरसीपी से 11 जो कंट्रियां हैं इसमें भारत का व्यापारिक घाटा ज़्यादा है, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, सरप्लस कम है। व्यापारिक घाटा से आप समझ सकते हो, व्यापारिक घाटा मतलब ट्रेड, मतलब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारे रेवेन्यू इन देशों से कम होता है। आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो ट्रेड है इन कंट्रियों के साथ आपकी सरप्लस में नहीं है, मतलब होता है। यदि हम किसी कंट्री के साथ 100 अरब डॉलर का वो करते हैं और हम यदि 200 अरब डॉलर कमाते हैं तो हमारे लिए क्या है, सरप्लस ट्रेड है। यदि हम 100 डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और 200 डॉलर हमारा इंपोर्ट है तो वो क्या हुआ, आपका डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट में आता है। तो आप बता सकते हो कि चीन की उपस्थिति एक कारक कितनी दूर है। चीन के साथ जो तनाव बढ़ाना भारत का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इस सौदे पर जो चाइना ने जो कंसर्न बनाई है गलवान घाटी और आपकी अदर संबंधों में ये खटास आ गई है और चाइना का इससे जो और कंट्रियों में है उससे क्या हो रहा था, भारत इसलिए एग्जिट हुआ क्योंकि चाइना के जितना भी आपको पता है 85% आपकी जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट की जो सर्विस करता है वो चाइना करता है और कंट्रियों में विश्व में सबसे ज़्यादा 35%। इससे क्या होता है कि जो हम यदि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे किसी कंट्री पे, यदि वो हमारे देश के अंदर यदि एक्सपोर्ट करेगा हमारे देश के अंदर क्या होगा, तो हमारे टैरिफ जो इसमें एग्रीमेंट में है इसमें हमारी टैरिफ है उसको कम कर देगा। टैरिफ को कम करना मतलब आपका फ्री ट्रेड है, ये जो एग्रीमेंट है आरसीपी ये फ्री ट्रेड है, जिससे जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है वो जीरो हो जाएगी। तो जीरो लगने के कारण जो चाइना से जो गुड्स प्रोडक्ट आएंगे, सर्विस आएंगे, वो आपके क्या हो सकता है, उसी रेट पर आएगा। और आपको पता है कि चाइना क्या करता है, अपने जितने भी आपके इंटरव्यूअर है या आपके भी उनके बिजनेसमैन हैं उनको क्या करता है, आपको कंपनसेशन देता है जिससे उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको सस्ते मिले और अपने उस समय अपना परचम लहराए। तो इसी में जो ईस्ट रीजन है और रीजन भी है कि जो इंडिया है उसके और कंट्रियों के साथ मतलब जितने भी आपके आरसीपी के जो मेम्बर थे इसलिए एग्जिट करा। इसके रीज़न और भी बहुत हैं, इसमें क्या है कि जो हमारी इसमें 16 में से जो 11 कंट्री है इसके साथ भारत का व्यापारी घाटा ज़्यादा है। व्यापारी घाटा ज़्यादा होने के कारण इससे इंडिया ने क्या किया, ये ग्रुप एग्जिट किया इंडिया। और हम बता सकते हैं इंडिया को इसमें करना क्या चाहिए, इंडिया को और क्या पैक्ट साइन करने चाहिए जिससे उसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़्यादा हो। जो हमारा इंडिया है वो ये हमारे लिए नुकसान की बात है कि इसमें जो आरसीपी के जो मेंबर है इसमें हमारे जो कॉर्ड के आपके
दो मेंबर आपके ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है, उससे क्या हो सकता है कि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है इनके साथ द्विपक्षीय समझौता करना चाहिए और ये हमारे लिए बेनिफिट है और ये हमारे ट्रेड को भी आगे बढ़ाएगा और हमें करना चाहिए अपने जो आपके जापान जो आपके अमेरिका जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है इनके साथ द्विपक्षीय समझौता करना चाहिए। और आप जान सकते हैं कि जो इंडिया है वो और अमेरिका के साथ यूएसए के साथ आपके ट्रेड सरप्लस में है, मतलब हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और हमारे जो जापान और जो आपके क्वार्ड्स के मेंबर हैं तो इसके साथ हम अच्छा टाइप कर सकते हैं। इंडिया इससे बाहर क्यों गया कि जो इंडिया है उसकी आपको पता है कि जो हमारे किसान हैं उनके जो आपको पता है कि इसमें एक देश और है थाईलैंड। थाईलैंड क्या करता है अपने डेयरी प्रोडक्ट को यदि वो एक्सपोर्ट करता तो क्या होता है जो हमारे इंडिया में जो किसान हैं उनका जो डेयरी प्रोडक्ट है वो आपको प्रभावित कर सकता था आपकी मार्केट को। और जो हमारे उद्योग धंधे हैं जो हमारे उद्योग में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी नुकसान कर सकता था, इसलिए इंडिया ने क्या किया जो RCEP है उसको एग्जिट किया। यही रीज़न हो सकता है जिससे जो इंडिया है उसने एग्जिट किया। मैं यही सजेशन है आप अपना सजेशन यदि RCEP यदि एग्जिट करना से इंडिया का प्रॉफिट है या लॉस है यदि आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।